हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपका प्यारा डीप लाइफ, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और डीप लाइफ कस्टम्स के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। वैसे आपने कुछ नया नोटिस किया क्या? आई जस्ट हैड अ हेयर कट। आज हम लोग वो चीज कस्टमाइज करने वाले हैं जिससे बहुत लोगों का करियर बना है इस दुनिया में, जिस चीज से आप बहुत सारे मोमेंट शूट कर सकते हो। पब्लिक मोमेंट्स, पर्सनल मोमेंट्स, प्राइवेट मोमेंट्स। सॉरी, नॉट गेटिंग नॉटी, जस्ट रोल द इंट्रो प्लीज। By the way guys, मेरे गणपति बाप्पा के वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। ऑल्सो UIC ब्लॉग्स पे जो गणेश मेकिंग प्रतियोगिता थी उसमें मैं 1,00,000 रुपए जीत गया। तो बाप्पा की वजह से बहुत सारी जबरदस्त चीजें हो रही है मेरी लाइफ में। और ऐसे ही आज एक शुभ दिन पे हम लोग कस्टमाइज करने वाले हैं ये G7X कैनन का कैमरा। मेटालिक बिल्ड है और इधर रबर है, तो आज हम लोग रबर पे कस्टमाइजेशन करने को ट्राई करेंगे। वैसे टेक्निकली आप रबर पे पेंट और कलर कर सकते हो, पर कभी कभी वो लास्ट नहीं करता। बट वॉट आई हैव नोटिस्ड इज ये जो मटेरियल है अजीब सा रबर है, इस पे पेंट चिपकता है। बॉडी के साथ क्या करना है वो हम आगे डिसाइड करेंगे। तो और वो जाया ना करते हुए जाते हैं मेरे ड्राइंग टेबल पे और करते हैं इस कैमरा को कस्टम। ये स्क्रीन है जो ऐसे पॉपअप होती है, तो पीछे मैं इतना कुछ करने नहीं वाला क्योंकि पीछे थोड़ा डेंजर एरिया है, स्क्रीन है। हालांकि कैमरा टू बिगिन विद बहुत ब्यूटीफुल है, पर इसमें हम लोग ऐड करेंगे डीप लाइफ की कस्टम टच। कैमरा के थोड़े पार्ट्स पे ये धूल लगी है तो मुझे वो निकाल लेनी पड़ेगी। If you guys are wondering, this camera does work. तो ये कोई ख़राब कैमरा नहीं है। तो थोड़ी सी टेप लेके वो एरिया कवर कर रहा हूँ जहाँ पर हम लोग का पेंट नहीं लगना चाहिए। वैसे तो ये कवर करने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने कर दिया जस्ट टू बी सेफ। नो वन इज़ परफेक्ट, कभी कभी ब्रश इधर उधर चला जाता है। ये जो स्ट्रिंग है वो भी बीच में बहुत लुड़ुबुड़ू करेगी, इसीलिए फ़िलहाल के लिए मैं निकाल देता हूँ। अभी हम लोग यूज करेंगे थोड़ा एक्रेलिक पेंट। पेंट ब्रश हमारा तैयार है। अगर मैं बेस कोट व्हाइट ना देता तो मुझे बाकी के कलर्स ऐड करने में दिक्कत होती क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ब्लैक था। अभी मैंने सोचा इसको थोड़ा टाइगर जैसी लुक दूं, थोड़ा येलो में डोमिनेंट रखना चाहता हूँ। क्यों ये मैं बाद में बताऊंगा। तो इसको इस पे अप्लाई करते हैं अभी, पर ओनली दिस मच। ओके, जो नीचे है हम लोग येलो करेंगे और उसके नीचे व्हाइट करेंगे, तो ऐसे हम लोग लेयर्स में इसके ऊपर से जाने वाले हैं। तो इन दो येल्लोस को मैंने मिक्स करके एक बहुत ही सुंदर शेड बनाई है येल्लो की, और वो हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे। और बाद में मैं वाइनल चढ़ाऊंगा कैमरा पे, जो सारे मेटल पार्ट्स है उन पे मैं येलो को खींच के थोड़ा नीचे लाऊंगा और बाद में व्हाइट में ब्लेंड कर दूंगा। बाद में हम लोग बनाएंगे टाइगर स्ट्राइप्स पैटर्न। तो मैंने एकदम परफेक्टली ब्लेंड नहीं किया क्योंकि नेचर में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। अगर आप नेचर में कोई भी चीज़ परफेक्ट करना चाहोगे तो अननेचुरल लगेगी। अभी हम लोग करेंगे टाइगर की स्ट्राइप्स, जिसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्रेलिक कलर ब्लैक। तो अभी हमारा कैमरा कुछ ऐसा लग रहा है। आई एम क्वाइट हैप्पी विद द टाइगर डिजाइन। और मेरे पास ये येलो कलर की फोन स्किन है, तो जो सारे पार्ट्स है जहाँ पर कैमरा बना है मेटल से, वो मैं थोड़े थोड़े स्किन से कवर करूंगा। ये जो कैमरा का पार्ट है G7X का, वो इतना ज्यादा यूज में नहीं आता है, तो इसके ऊपर से मैं टाइगर स्ट्राइप से जाऊंगा। इवन यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ पॉज ऐसा कुछ डिजाइन बनाऊ, तो देखते हैं। अभी थोड़े टाइगर स्ट्राइप पैटर्न बना लिए, एक पॉज ऐसी डिजाइन बना लिए, कट कर लूंगा विद माई एग्जैक्टो नाइफ। तो देख सकते हो ये शेप्स। आपको कैसे लग रहा है आप जरूर कमेंट करके बताना। अभी हम लोग सैटिस्फाइंग चीज करेंगे, जो टेप्स है वो निकाल देते हैं। We'll be right back.
टाइगर टाइगर। बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि सनसेट की पेंटिंग बताओ कैसे बनाते हो। बहुत सारे सनसेट वाली पेंटिंग के वीडियोस वायरल होते हैं, कपल बैठा रहता है तभी ऐसी एक शेडिंग रहती है वो पेंटिंग्स में और ऊपर ऐसे झाड़ बनाया रहता है काले रंगों से। तो बेसिकली ये सेम टेक्निक यूज की है मैंने इधर। टाइगर की जो लोअर बॉडी रहती है पेट का हिस्सा वो गोरा रहता है, व्हाइट रहता है, और अपर बॉडी ऐसी रहती है ताकि वो घास के साथ ब्लेंड हो जाए। तो वो एक मैंने इफेक्ट अचीव करने को मैंने ट्राई किया है। ये आप स्किन कभी भी निकाल सकते हो और उससे कैमरा को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ऊपर का जो पोर्शन है जिधर से ऐसे फ्लैश पुचुक करके बाहर आता है उधर मैंने एक पंजा लगा दिया। ये कस्टम बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। कोई कोई लोगों को ये पेंटिंग की ग्रेडियंट देने में दिक्कत होगी पर थोड़ी प्रैक्टिस से आ जाएगा। थोड़ा ऐसे बनाया कि सबको पसंद आए और मैंने ये जिनके लिए बनाया है उन्होंने मुझे कहा था ये एग्जैक्टली ऐसे ही बनना चाहिए तो मैंने ऐसे ही बनाया है। तो अगर आपको मुझे कोई टेक प्रोडक्ट सेंड करने हैं कस्टम करने के लिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, DM कर देना बिंदास। वेल गाइज मैं हूँ डीप लाइफ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं आपके पास आता ही रहूंगा ऐसे ढेर सारे कस्टम वीडियोस लेके। कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको ये टाइगर पैटर्न कैसे लगा और अगर आपको पसंद आया है तो जरूर हमारे वीडियो को एक लाइक दे देना। वैसे ये कैमरा और मेरा कैमरा सिमिलर है तो ऐसे लग रहा है इंसेप्शन में जी रहे हैं हम लोग। वेल गाइज दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लव दिस वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।